हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजेश जोशी। आज मैं वीडियो लेके आऊँ क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका जो पेज नंबर 6 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के डेंसिटी बेसिस है, तो डेंसिटी का जो क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करने से पहले हम डेंसिटी के बारे में जान लेते हैं। डेंसिटी होती है उसको कहते हैं घनत्व, डेंसिटी को कहते हैं घनत्व। डेंसिटी होती है कोई भी सब्सटेंस है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो उसका मास है और उस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो डेंसिटी कहलाता है। यानी जो द्रव्यमान है और उसका आयतन है कोई भी पदार्थ का, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। तो डेंसिटी की डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मास और वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को डी से डिनोटेट किया हमने, मास को एम से डिनोटेट किया और वॉल्यूम को वी से डिनोटेट किया। तो इसका फॉर्मूला हो गया डी इक्वल्स टू एम अपॉन वी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। अगर हम इसके ऐसे यूनिट की बात करें तो डेंसिटी की क्वेश्चन आ गया राइट ऐसे यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के ऐसे यूनिट राइट कीजिए, या डेंसिटी के ऐसे यूनिट क्या है। अब हमें पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास है, मास की जो यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो मास की यूनिट हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे। फिर अपॉन में दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो यूनिट आती है वो मीटर में आती है और मीटर क्यूब। तो मास और वॉल्यूम का रेशियो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसकी ऐसे यूनिट होती है मास किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये था डेंसिटी के बारे में। हम इनसे बेसिस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग डेंसिटी। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, उस सब्सटेंस को डेंसिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हमें दिया सबसे पहले एयर, फिर है एक्स एक्स फॉर्म चिमनी, चिमनी से निकलने वाली जो गैसेज है वो, फिर है हनी जो शहद है, फिर हम बात करते हैं वाटर की, फिर है चौक, फिर है कॉटन, फिर है आयरन। यहां पर देखें तो सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है जिसको अगर वाटर में फ्लो किया जाए, जिसको रखा जाए तो वो अपना आप ही फ्लो नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे जो हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें मास और इसके वॉल्यूम का रेशियो सबसे हायर आता है, तो सबसे हायर मास और वॉल्यूम का रेशियो सबसे हायर किसका आता है, आयरन का आता है। तो इसका मीन्स क्या होगा, आयरन की जो डेंसिटी होगी वो सबसे मोर होगी। आयरन के बाद में दे रखी है कॉटन, चौक दे रखा है, वाटर दे रखा है, हनी दे रखा है। तो जो चौक है, चौक की डेंसिटी उसके बाद में सेकेंड नंबर पे डेंसिटी हो चौक की, क्योंकि चौक में जो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो एज कम्पेयर टू द आयरन, आयरन के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। इसलिए आयरन से कम जो डेंसिटी होगी वो चौक की होगी। चौक के बाद में हम बात करें जो एक गाढ़ा द्रव, एक लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, वो होता है जैसे वाटर है भी एक फ्लूइड है, हनी भी एक फ्लूइड है, जबकि कॉटन एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो कॉटन की डेंसिटी इन दोनों के कंपेयर में कम होगी। यहां पर बात करें एयर और एक्सेस ऑफ चिमनी, चिमनी से निकली गैस है, ये तो गैसेज है, तो इसकी मीन्स, इसका मीन्स इनकी डेंसिटी होगी वो तो सबसे लास्ट में सबसे कम होगी, ठीक है। फिर यहां पर बात आती है हनी, वाटर और कॉटन की। कॉटन एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसको भिगोएंगे तो वो छोटा साइज भी हो जाएगी, उसका मास और वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो कम आएगा। बट हनी और वाटर की बात करें तो वाटर के कंपेयर में हनी होता है एक फ्लूइड होता है, गाढ़ा होता है, इसलिए जो हनी की डेंसिटी आएगी वो थर्ड नंबर पे आएगी। यानी सबसे पहले आयरन की डेंसिटी, फिर चौक की, फिर हनी की। अब हनी की आ गई तो हनी के बाद में पीछे कौन बच गया, वाटर, तो वाटर की डेंसिटी आ गई। फिर हमने पीछे इसको बाद में छोड़ा था कॉटन, सॉलिड सब्सटेंस, तो कॉटन की डेंसिटी आ गई। अब उसके बाद में बची है दो गैस, एक तो बची है एयर और एक बची है एक्सेस फॉर्म चिमनी, चिमनी से जो गैसेज निकलती है वो। अब एयर है, चिमनी से जो गैसेज निकलती है वो गैसेज जाके किससे मिलती है, एयर मिलती है, और चिमनी से जो गैसेज मिलती है उससे बहुत से सॉलिड पार्टिकल प्रजन होती है, बहुत ही
इम्प्योरिटीज, इससे बहुत सारी प्रेजेंट होती है इसका मीन्स, और एयर में बहुत सारी गैसेज होती है, तो एयर तो बहुत सी गैसेज का मिक्सर है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो हाई होगा, ठीक है, लेकिन चिमनी है उसमें बहुत से सब्सटेंस ऐसे मिक्स होते हैं, इसलिए चिमनी की जो गैसेज निकल रही है उसकी जो डेंसिटी होगी वो एज कम्पेयर टू एयर मोर होगी, यानी एयर से ज्यादा किसकी होगी, चिमनी से निकलने वाली जो गैसेज है उनकी, तो ये जो गैसेज हो गई चिमनी से निकलने वाली उनकी डेंसिटी हो गई मोर, किससे, कॉटन से तो कम हो गई और एयर से ज्यादा हो गई, सबसे लास्ट कौन बच गया, एयर बच गया, तो सबसे कम डेंसिटी यहां पर किसकी हुई, एयर की हुई, तो सबसे हार्ड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस की बात की तो आयरन हो गया, ठीक है, उसकी डेंसिटी सबसे मोर हो गई, फिर उसके बाद में हमने बात की चौक की, तो चौक की डेंसिटी सेकेंड नंबर पे, चौक के बाद में हमने बात की हनी की, हनी के बाद में वाटर की डेंसिटी, वाटर के बाद में कॉटन की, कॉटन के बाद में एक्सेस फॉर्म ऑफ चिमनी, और चिमनी से निकलने के बाद में एयर, तो ये था डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इसके साथ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो।